हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ कि टर्बो चार्जर की कोर की किट कैसे रिप्लेस करते हैं। मेरे इससे पहले वीडियो मैंने एक दिया था जिसमें टर्बो चार्जर की कोर कैसे रिप्लेस करते हैं वो बताया था, और आज इसमें टर्बो चार्जर की किट कैसे रिप्लेस करते हैं ये मैं बताऊँगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है कोर और ये हमारी इम्पेलर है जो हमें रोटेट कर रहा हूँ। यहाँ से लुब्रिकेशन ऑयल आती है टर्बोचार्जर को लुब्रिकेट करने के लिए, और यहाँ से हमारी ऑयल सम को चली जाती है रिटर्न। तो फ्रेंड्स, इसमें एक साइड में टर्बाइन और दूसरे साइड में इम्पेलर लगे हुए होते हैं जो कि एक ही शाफ्ट पे काम करते हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। हमारी जो इंजन की बेकार की जो एग्जॉस्ट गैस होती है उसे ही यूज़ करके टर्बोचार्जर को यूज़ किया जाता है, और हमारे इंजन की एफिशिएंसी को 30% तक बढ़ाया जाता है इससे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमें इसे 10 नंबर की जो नट है उसे हमें लूज़ कर लेनी है। ये क्लॉकवाइज में लूज होगी और एंटी क्लॉकवाइज में टाइट होगी। ये उल्टा इसकी थ्रेड है, उल्टी थ्रेड है, इसलिए उल्टी साइड से ही ये ओपन होती है और सीधी साइड से ये ओपन होगी और उल्टी साइड से टाइट होगी। तो चलिए अब हम इसे इम्पेलर को निकाल लेते हैं। इस इम्पेलर को निकाल कर देखते हैं कि हमें किस टाइप से है, और चलिए हमें इस वीडियो को ध्यान से पूरी अंत तक देखें, तभी आप सारी चीज़ को समझ पाएंगे कि कैसे इसकी किट होती है और कैसे इसे रिप्लेस किया जाता है। देखिए, ये है हमारी इम्पेलर, हमने रख दिया, और इस टर्बाइन को अब हम निकालेंगे, जो कि यह टर्बाइन फुल शाफ्ट के साथ में ही आती है। इसके ऊपर में सरक्लिप है तो हमें उसे अभी नहीं निकालनी है। इस टर्बाइन की शाफ्ट को हल्की किसी चीज़ से अगर हैमर करेंगे तो ये आसानी से हमारी टर्बाइन उल्टे साइड से निकल जाएगी। तो चलिए, ये टर्बाइन हमारी आ गई बाहर। और फ्रेंड्स, इस टर्बाइन में हमारी एक पिस्टन रिंग भी लगे हुए हैं। देखिए, ये शाफ्ट है और इसमें पिस्टन रिंग भी लगे हुए हैं जिसे हमें रिप्लेस करनी है। और चलिए चेक कर लेते हैं कि वो जो रिंग है वो ख़राब हो गई या सही है। तो चलिए अब हम इसे साइड कर लेते हैं। ये हम लोगों ने निकाल ली है, ये फुल एक ही साथ असेंबली ही आती है ये टर्बाइन। और फ्रेंड्स, ये हमारी बैक प्लेट है जिसमें ऑयल लीकेज की वजह से, इंजन ऑयल लीक और बर्न होने की वजह से कार्बन डिपॉजिट हो गए हैं यहाँ पे। देखिए कितने सारे कार्बन थे, तो इस जगह पे भी कार्बन हमारी आ चुकी है बैक टर्बाइन साइड में। फ्रेंड्स, अब हम सरक्लिप को निकाल लेंगे। सरक्लिप निकालने के बाद हमें ये इंसर्ट को निकाल लेना है। इसके अंदर जो बड़ी वाली दिख रहे हैं वो है इंसर्ट। इंसर्ट को निकाल लेनी है। इंसर्ट के अंदर में आपकी फ्लिंगर स्लीव होती है, थ्रस्ट बेयरिंग होती है, थ्रस्ट स्लीव होती है। तो चलिए एक एक करके हम निकालते हैं। तो इसे हमें उसे उल्टी साइड से इसे किसी चीज़ से पुश करेंगे तो वो हमें आसानी से वो बाहर आ जाएगी। तो चलिए, हमें प्लास्टिक हैमर और वाल्व के हेल्प से इसे हम थोड़ा पुश कर लेते हैं ताकि ये बाहर आ जाए। तो चलिए, ये हमारी इंसर्ट बाहर आ चुकी है। इसमें देखिए, ये थ्रस्ट बेयरिंग है, यहाँ पे देखिए डोयल पिन है, ये थ्रस्ट बेयरिंग है। फ्रेंड्स, ये थ्रस्ट बेयरिंग में लगी हुई है थ्रस्ट स्लीव। देखिए थ्रस्ट स्लीव किस टाइप से होती है। देखिए, ये है छोटी वाली जो हम लोगों ने निकाली है, वो है थ्रस्ट स्लीव। ये वाली थ्रस्ट स्लीव है। इसकी प्रॉब्लम से ही हमारी जो ऑयल लीकेज होना स्टार्ट हो जाती है टर्बो चार्जर से, और प्ले आनी शुरू हो जाती है इसकी वजह से ही। इसमें प्ले आने से हमारी उस शाफ्ट में भी प्ले आ जाती है। इसके बाद देखिए, इसमें एक डोयल पिन है और लुब्रिकेशन होल भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो चलिए अब हम इसे साइड कर लेते हैं और देख लेते हैं। ये हमारी थ्रस्ट बेयरिंग है। चलिए फ्रेंड्स, ये फ्लिंगर स्लीव है जो कि इंसर्ट में लगी हुई है, हमें पुश करके इसे निकाल लेनी है। इसमें भी एक पिस्टन रिंग है जो वर्न आउट होने की वजह से लीकेज शुरू हो जाती है। तो ये फ्लिंगर स्लीव है, इसे हमें क्लीन कर लेनी है, साइड करके रख देनी है। तो चलिए अब हम
देखते हैं हमारे इसके अंदर जो है वो जर्नल बैरिंग, दो जर्नल बैरिंग है दोनों साइड के लिए, तो जर्नल बैरिंग की लॉक को निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लुब्रिकेशन ऑयल लुब्रिकेंट होने के बाद हमारी ऑयल सम्प को चली जाती है। इसमें देखिए एक ओरिंग है, जिसे ओरिंग को हम लोग निकाल लेते हैं, ये ऑयल की, ऑयल को लीकेज ना होने देने के लिए ये ओरिंग फिट किया गया है। तो चलिए अब हम इसे सर क्लिप को निकालते हैं। एक बहुत ही पतली सी सर क्लिप होती है इसमें, जैसे स्नैप रिंग बोलते हैं छोटी वाली को, तो दोनों साइड में स्नैप रिंग, टोटल 4 स्नैप रिंग आएंगी इसमें, इस जर्नल बैरिंग के दोनों डायरेक्शन में एक एक करके रहेंगे। तो इससे हमें स्नैप रिंग को निकाल लेनी है दोनों साइड की, और उसे किसी चीज़ से पुश कर लेनी है। ये इतनी छोटी स्नैप रिंग है कि ये किसी भी पिन से आप अगर इसे प्रेस करेंगे तो ये आसानी से बाहर आ जाती है। तो चलिए अब हमें इसे किसी वाल्व से हम इसे प्रेस कर लेते हैं, ताकि हमारी जर्नल बैरिंग जो है वो बाहर आ जाए और हम इसे क्लीन कर सके अच्छी तरीके से। तो चलिए अब हम इसे निकालते हैं एक एक करके। तो एक्चुअली वो जर्नल बैरिंग जो है वो फ्रीली उसके अंदर चली जाती है, पर इसमें जो है वो कार्बन की वजह से पकड़ी हुई है, जो कि अंदर तक जा चुकी है कार्बन। तो चलिए अब हम इसे किसी चीज़ से इसे पुश करके हमें इस दोनों जर्नल बैरिंग को निकाल लेते हैं, फिर अब हम इसे क्लीन कर लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, इसे पूरी तरीके से अच्छी से क्लीन करनी है, उसके बाद फिर हमें असेंबल करनी है। ये हम लोगों ने क्लीन कर लिया और इसकी जो किट है वो सामने पड़ी हुई है। देखिए अब हम एक एक करके इस किट को इस कोर के अंदर हम लोग फिट करेंगे और देखेंगे कि कैसे फिट करनी है। तो चलिए हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये दो पिस्टन रिंग हैं, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली। तो बड़ी वाली जो पिस्टन रिंग है वो हमारी टरबाइन की शाफ्ट में आ जाएगी, तो इसे हमें यहाँ पे वेयर डाल देनी है। देखिए हम लोगों ने पिस्टन रिंग को यहाँ पे डाल दिया है टरबाइन की शाफ्ट में, और ये हमारी जो है फ्लिंगर स्लीव में भी हमें ये बैरिंग को डाल लेनी है, फ्लिंगर स्लीव में भी हमें पिस्टन रिंग को डाल लेनी है, ताकि हमारी लीकेज जो है वो कंट्रोल में रहे उसके अंदर। चलिए अब हम इसे रोटेट करके चेक कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी इंसर्ट है, इंसर्ट में हम उसे फ्लिंगर स्लीव को हमें इसे डाल लेनी है। तो हमें इसमें कुछ ऑयल लगा के डालनी है, इसमें थोड़ी इसे इंजन ऑयल डाल लेंगे, उसके बाद फिर इंसर्ट में हमें इसे पुश कर देनी है, तो ये आसानी से इसके अंदर चली जाती है। ये फ्लिंगर स्लीव आसानी से इसके अंदर चली गई है। इसे रोटेट करके हम इसे चेक करके इसे साइड में रख लेंगे। फ्रेंड्स, ये रखने के बाद चलिए अब हम इसमें जर्नल बैरिंग डालते हैं। तो लॉक, अंदर वाली लॉक हम लोगों ने नहीं निकाली है, क्योंकि हमें इसे क्लीन करके फिर इसे डालनी है, इसलिए हम ऐसा डाल सकते हैं। तो चलिए अब अंदर वाली जो जर्नल बैरिंग है इसे हमें लुब्रिकेंट से, थोड़ी ऑयल से लुब्रिकेंट कर लेंगे, और इसकी जो जर्नल बैरिंग की जो होल है वो अंदर में लुब्रिकेटिंग होल के साथ मैंने उसमें मैच करके ही हम लोग को डालनी है, ताकि हमारे लुब्रिकेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए अब हम इसे सर क्लिप से इसे लॉक कर लेते हैं। स्नैप रिंग डालकर इसे हमें लॉक कर लेनी है, ये आसानी से ऊपर से ही प्रेस करने से लॉक हो जाती है, या हमें किसी चीज़ से इसे पकड़कर प्रेस करनी है, सर क्लिप प्लेयर से इसे पकड़कर हमें पुश करनी है, और ये पुश होने के बाद ये आसानी से लॉक अपने ग्रुप में जाकर लॉक हो जाएगी। तो चलिए अब इसे हमें रोटेट करके चेक कर लेनी है कि ये हमारी सही तरीके से बैठी है या नहीं। तो ये बिल्कुल ही सही तरीके से अपने जगह पे बैठ चुकी है।
तो चलिए दूसरे साइड भी हमें जर्नल बैरिंग डाल लेनी है यहाँ पे फ्रेंड्स। देखिए लुब्रिकेटिंग ऑयल डालने के बाद हमें जर्नल बैरिंग को इसके अंदर डाल लेनी है। ये हम लोगों ने इसके अंदर डाल लिया है। उसके बाद इसे भी स्नैप रिंग से लॉक कर लेंगे। और इसे लॉक करने के बाद फिर टारबाइन की शाफ्ट को हम लोग डालेंगे। चलिए हम लोगों ने स्नैप रिंग को लॉक कर लिया। उसके बाद हमें ओरिंग को डाल देनी है इसके अंदर और ये अपनी प्लेस पे बैठ जाएगी। ये ओरिंग को बैठने के बाद हमें इसमें थ्रस्ट स्लीव डालनी है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये थ्रस्ट स्लीव है और थ्रस्ट बैरिंग है। तो थ्रस्ट बैरिंग में हमें इसे चेक कर लेनी है पहले डालकर। तो अब ये देखिए यहाँ पे लुब्रिकेशन होल दिए हुए हैं। ये पतली पतली दो होल हैं जो लुब्रिकेशन करने के लिए ऑयल यहाँ पे थ्रस्ट स्लीव को हमारी लुब्रिकेशन करने के लिए वो ऑयल यहाँ पे आती है। तो थ्रस्ट स्लीव को डाल लेंगे, उसके बाद हमें थ्रस्ट बैरिंग को डाल लेंगे। थ्रस्ट बैरिंग की को डालने के बाद हमें इंसर्ट को डाल लेनी है। थ्रस्ट बैरिंग को डालने के बाद हमें इंसर्ट को डाल लेनी है। इंसर्ट को डालने के बाद हमें सर्क्लिप से इसे लॉक कर लेनी है। तो हम लोगों ने इसे डाल लिया है और सर्क्लिप से इसे लॉक कर देनी है ताकि ये हमारी वापस बाहर ना आए। तो सर्क्लिप से हमें इसे लॉक कर लेनी है। फ्रेंड्स, इस लॉक को हमें चेक भी कर लेनी है लॉक होने के बाद, रोटेट करके चेक कर लेनी है ताकि ये फिर से वापस बाहर ना आ जाए। तो हमें इसे अच्छी तरीके से ही इसके अंदर बिठानी है और इसे रोटेट करके चेक कर लेनी है कि हमारी पोजीशन पे है या नहीं, ग्रुप में गई है या नहीं। तो चलिए अब हम लोगों ने टारबाइन को इसके अंदर डालते हैं। फर्स्ट हम लोग डाल देंगे इसकी बैक प्लेट को। यह है बैक प्लेट जो कि अंदर से जो ऑयल अगर लीक होती है तो इसके अंदर ही आकर बर्न हो जाती है और हमारी इंजन एग्जॉस्ट लाइन में जाने के लिए नहीं देती है। इसी जगह पे वो ऑयल जल जाती है और एक्सेस ऑयल आती है तभी वो निकल जाती है। तो हमें इस पिस्टन रिंग को हमें ऑयल से लुब्रिकेंट कर लेनी है और चलिए फिर हमें टारबाइन को इसके अंदर डाल लेनी है। तो चलिए हम लोगों ने टारबाइन को डाल लिया। उसके बाद इसे उल्टे साइड से फिर इसे हमें इंपेलर को डाल लेनी है। इंपेलर डालने के बाद 10 नंबर की जो हमारी नट है उसे हमें टाइट कर लेनी है। तो चलिए हम लोगों ने इसे डाल लेनी है अच्छी तरीके से। देखिए ये हमारी इंपेलर भी इसके अंदर चली आई है और ये आसानी से रोटेट हो रही है और इसमें प्ले जो है वो अभी माइनर है, माइनर प्ले ही रहती है और एक्सेस प्ले होने से हमारी जो इंजन की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है और हमारी इंजन जो है वो स्मोक उसकी चेंज हो जाती है। ये ब्लैक कलर की स्मोक आनी शुरू हो जाएगी इसकी प्रॉब्लम से। तो चलिए अब हम इसे टाइट कर लेते हैं 10 नंबर से। 10 नंबर की स्पैनर डालकर इसे हमें अच्छी तरीके से फुल टाइट कर लेनी है। टाइट करने के बाद हमें इसे लुब्रिकेंट करनी है। तो फ्रेंड्स, लुब्रिकेशन करने की इसकी जो तरीके हैं, हमें इस कोर को फिट करने से पहले इसे लुब्रिकेशन करना होगा। तो हमारी जो लुब्रिकेशन होल है वहाँ से हमें करनी होगी। ये दोनों एक ही शाफ्ट पे रोटेट हो रही है। तो देखिए ये हमारी लुब्रिकेशन होल है और इसे हमें रोटेट करके चेक कर ले रहे हैं और ये हमारी जो प्ले है वो भी हमें चेक कर ले रहे हैं ये प्रॉपर है या नहीं। तो चलिए अब हम इसे ऑयल डालते हैं लुब्रिकेशन पोर्ट में और इसे रोटेट करेंगे। फ्रेंड, जब तक हमारी ऑयल जो है वो नीचे की तरफ ना गिरे तब तक हमें इस कोर को फिट नहीं करनी है टर्बोचार्जर के साथ। तो चलिए अब हम इसे रोटेट करते रहेंगे और ये आसानी से हमारी ऑयल जो है नीचे की तरफ आ जाएगी।
फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो इसमें ऑयल जो है अच्छी तरीके से डाल के हमें इसे लुब्रिकेंट करनी है। जब तक ये लुब्रिकेशन ऑयल नीचे की तरफ ना आए, सम्प में जाने के लिए रेडी ना हो जाए, तब तक हमें इसे नहीं फिट करनी है। अदरवाइज़ ये हमारी जो टर्बो चार्जर है वो फेल हो जाएगी, ये फेल होने की चांसेस रहेगी। तो हमें लुब्रिकेंट करके ही डालनी है, यहाँ से ऑयल आनी शुरू हो जाएगी।